हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें हम पढ़ने लग गए थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्या रिस्क होंगे और क्या कंट्रोल्स होंगे। और उसमें ऑडिटिंग एक्सपेक्टेशंस हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग बेसिकली अगर हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे और रीज़न क्या है। और हमने ये जाना था कि डेटा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता चला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती चली जा रही है, क्योंकि नीचे की चीज़ें जितनी भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लो लेवल जॉब्स हैं वो सारे ऑटोमेट होते जा रहे हैं, जितने भी रेगुलर जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्ड जॉब हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी रेगुलरिटी है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर ओवरटेक कर सकता है या रोबोट्स ओवरटेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे जहाँ भी आपकी स्ट्रक्चर्ड जॉब आ रहे हैं वो ऑटोमेट हो जा रहे हैं और हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड जॉब को ऑटोमेट करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई बार कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है तो वो ऑटोमेट नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज़ वो ऑटोमेट हो जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रक्चर्ड जॉब तो जो ऑटोमेट हो सकते हैं, जो सेमी स्ट्रक्चर्ड जॉब हैं वो मैसिव रूप से उनकी ऑटोमेशन का काम चल रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड जो जॉब्स हैं वहाँ पर आपका जो ऑटोमेशन उतना नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके क्या कहते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है और जो ऑटोमेशन का लेवल बढ़ता चले जा रहा है। तो ऑटोमेशंस की वजह से ऑटोमेशन हम बढ़ाएंगे तो क्या है कि हमें आदमी को पैसा देना पड़ेगा, उसकी जगह अगर हम ऑटोमेट करेंगे चीज़ों को तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, वहाँ फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि मशीन फ्रॉड नहीं करती, वहाँ रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, मशीन पैसा नहीं मांगती है। मशीन को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट जरूर लगती है, लेकिन अगर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी मशीन तो हम उसको रख लेते हैं, उसके बाद क्या है वो छुट्टी नहीं मांगती, वो बीमार नहीं होती, और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल जब उसे आ जाता है तो वो उस स्किल पर काम करती रहती है, बोर नहीं होती है, जॉब नहीं छोड़ती है। तो ये सारी चीज़ मशीन्स के साथ पॉजिटिव हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, लेकिन उस मशीन्स को फाइनली कौन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पर सेंसर्स लगे मशीन्स में, वहाँ से डेटा आ रहा है और डेटा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डेटा हमने ये जाना था कि डेटा रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जा रहे हैं, फेसबुक जैसे डेटा ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर फेसबुक के डेटा जो सर्वर है वो एक दिन के लिए डिलीट हो जाए तो पूरा फेसबुक $100 बिलियन की कंपनी ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डेटा जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो रहा है, और डेटा ऐसा है कि आप आज की डेट में एक डेटा टेट्राबाइट्स का डेटा या 5 या 7 टेट्राबाइट्स का कि हार्ड डिस्क आ गई है मार्केट में, वो दिन दूर नहीं है कि आपकी एक नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क में या आपकी एक पेन ड्राइव में एक पीटाबाइट का डेटा आ जाएगा, यानी पूरी लाइब्रेरी, एक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उसका डेटा उसमें आराम से आ जाएगा। तो चूँकि एक छोटी सी जगह पर बहुत सारा डेटा आ जाएगा तो उसे डिलीट भी आराम से किया जा सकता है, उसमें और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रिस्क बढ़ गया, उस डेटा पर रिस्क बढ़ गया, और चूंकि रिस्क मैसिवली बढ़ गया तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और यही हमने जाना था फंडामेंटल एक्सपेक्टेशंस में, सॉरी जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें हमने ये जाना था। अब हमारा स्टडी कहती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी कुछ फंडामेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के कुछ फंडामेंटल्स हैं उसी तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कुछ फंडामेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हमारी स्टडी कहती है कि इन्फॉर्मेशन एक क्रिटिकल रिसोर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करने लग गया है आज की डेट में, और मिशन क्रिटिकल हो गया है कई ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ही मिशन क्रिटिकल हो गया है। फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो चीज़ है वो डेटा ही है, तो यानी क्रिटिकल रिसोर्स हो गया, मिशन क्रिटिकल रिसोर्स हो गया इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करने लग गया है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इसके साथ जुड़ गए हैं डेटा के साथ, पहले ऐसा नहीं था, पहले डेटा के साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स उतने ज़्यादा नहीं थे, डेटा बहुत गौण हुआ करता था, मतलब पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता, उसमें अकाउंटेंट बैठता था, उसके पास खाता होता था और बड़ी देर बाद वो इन्फॉर्मेशन कोई निकालता था, तो डेटा वहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आज की डेट में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन मैसिव डेटा जनरेट कर रहा है।
और डेटा जो है उसमें से स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, डे टू डे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे अचीव हो रही है वैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बढ़ती चली जा रही है और प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। कल की डेट में क्या होगा, ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स लग जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आगे जाएगा और ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स होंगे और उस ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स को आदमी मैनिपुलेट कर रहा होगा, उस ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स को आदमी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और बेसिक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिकली जो है जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो ये हो रही है कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स को सिक्योर करना। लेकिन इंफॉर्मेशन रिसोर्स कौन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा है, डेटा है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होगी। और डेटा चूंकि बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी एक दूसरे, जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होगी वहाँ इंटेग्रिटी नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिसाइड करेगा कहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है और कहाँ पर अवेलेबिलिटी रखनी है। अवेलेबिलिटी हो तो इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो, स्मूथली अवेलेबल हो, नेविगेबल फॉर्म में अवेलेबल हो। कॉन्फिडेंशियलिटी हो तो वहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अवेलेबल ना हो। तो मतलब ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इंटेग्रिटी, डेटा की, डेटाबेस की इंटेग्रिटी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा की इंटेग्रिटी आपने नहीं रखी तो वो डेटा कुछ नहीं है। इंटेग्रिटी डेटा की होनी, डेटा में अगर मालूम पड़ा, अगर एक बैंक का, बैंक में आपने एटीएम से पैसे निकाले, 5000 निकाले और उसने कहा 500 ही निकाले, डेटा की इंटेग्रिटी नहीं रखी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और 5000 निकाले और दिखा दिया 50000 निकाले, एक जीरो आगे पीछे हो गया, इंटेग्रिटी वॉयलेट हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दोनों ही केस में बैंक की जो आपका गुडविल है अफेक्ट आएगी। अगर 5000 निकालें और 500 बैंक दे रहा है तो गुडविल अफेक्ट आएगी, और 5000 निकालें 50000 दे रहा है तो आदमी पैसा भी ले जाएगा और ये कहेगा कि बैंक का सिस्टम सही नहीं है, बैंक पर उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ज़्यादा पैसा ले जाने के बावजूद उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, वो 10 जगह बताएगा कि 5000 निकालो तो यहाँ 50000 निकल जा रहे हैं। तो बेसिकली इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारी स्टडी बताती है। हमारी स्टडी सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताती है, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ये कहती है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की डेटा, यहाँ पर भी वो डेटा के बारे में कहती है, डेटा इंपॉर्टेंट है कहती है, कहती है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले अनऑथराइज पर्सन को तो वो इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए, और ऑथराइज पर्सन को अगर जा रही है तो अनऑथराइज पर्पज़ के लिए नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कभी आपने मूवी में देखा होगा कि CIA में जो अमेरिका की जासूस एजेंसी है, CIA में कोई मूल था, मतलब ऐसा है कि वहाँ पर कोई एक आदमी था जो CIA की इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से बाहर कर रहा था। वो ऑथराइज्ड पर्सन था, सारी इन्फॉर्मेशन उसे अवेलेबल थी, लेकिन वो अनऑथराइज्ड पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहा था। इसी तरीके से पहले तो अनऑथराइज्ड पर्सन के पास इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन और प्रोसेसेस का डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड तरीके से प्रोसेस में कोई आदमी ना घुस सके। और दूसरी बात, ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड प्रोसेसेस हैं तो अनऑथराइज्ड पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो रहे, यही कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, और किसकी, डेटा की। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया कल की डेट में, वर्ल्ड में कुछ समय बाद डेटा इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा, बाकी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट होती चली जाएंगी, क्योंकि डेटा से ही आप कंट्रोल कर रहे होगे सारी चीज़ों को और बाकी एसेट्स कंपेरेटिवली लेसर और लेसर इंपॉर्टेंट होते जाओगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की थ्रेट्स कैसे आ सकती हैं आईटी एनवायरनमेंट में, यानी कि डेटा आपका कैसे लीक हो सकता है, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली दोनों तरीके से हो सकता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत वैल्यूएबल है, इन्फॉर्मेशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन जो एसेट जो है आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है, वो इंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, अनइंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। हमारी स्टडी में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैस्कुरेडिंग या ट्रोजन कोड्स से कॉम्प्रोमाइजेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
बैंक के, आपने देखा होगा कि ईमेल, आजकल की डेट में आप ईमेल खोलते हैं तो कई बार इंटरनेट बैंकिंग के आपके पास मेल्स आते हैं, वो आपके इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। तो अगर आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स दे दिए, पिन दे दिए, सब डेटा हैं, पिन पासवर्ड दे दिए, डेटा हैं, तो वो अकाउंट हैक कर देंगे आपका। आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, मालूम पड़ा पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, पिन्स वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने ट्रिक किया, मेल भेजी और बोला कि इतने लाख की लॉटरी हम आपको देंगे, आप हमें बैंकिंग पासवर्ड्स और ये दीजिए ताकि आपके अकाउंट में हम इतना पैसा भेज दें। इस तरह के मेल्स कई बार आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, ट्रिक करके आपका पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस अकाउंट को हैक कर देते हैं। तो मैस्कुरेडर्स और ट्रोजन कोड्स यूज़ किए जा सकते हैं। मैस्कुरेडर जो है मैस्कुरेड करता है, मैस्कुरेडर के बारे में पढ़ा, मास्क लगा देना, मैस्कुरेडिंग करना। तो मैस्कुरेडर्स और ट्रोजन हॉर्स जो है वो ऑथराइज यूज़र की तरह पोज करके सेंसिटिव पासवर्ड्स ले सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ले सकते हैं या मैनेजमेंट यूज़र के पासवर्ड ले सकते हैं। तो वो उसके बाद क्या होगा, अनऑथराइज फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने किसको एक्सेस किया, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया, और इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आज की डेट में और कल की डेट में और होता जा रहा है, सारा चीज़ डेटा का खेल होता चला जा रहा है। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल एक्सेस हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज एक प्रिंटर है, उसमें फाइल स्पूल कर रही है, तो क्या है कि कोई आदमी आया, फाइनेंस ने प्रिंट आउट दे दिया और वो भूल गया, फाइनेंस का बंदा उसे उठाने, उससे भी बीच में कोई बंदा आया और उसने क्या है, सबकी सैलरी डिटेल्स देख ली, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। उसने देखा, अरे इसकी सैलरी तो इतनी है, ये तो मेरे से कहीं कम काम करता है, तो उसके बाद उसने फिर मालूम पड़ा एस्केलेट कर दिया, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर हो गई। इसके अलावा हैकर्स और मैस्कुरेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल्स को बाईपास कर देते हैं। कई बार उनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा है कि दोस्ती बना लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग मेथड से, सोशल मेथड से, या आपके ऑफिस में कोई बंदा होगा, आपके बगल में बैठेगा, आपका पासवर्ड देख लेगा, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से वो क्या करेगा, सेंसिटिव पासवर्ड्स आपसे ले लेगा, प्रिविलेज लॉगिन्स के पासवर्ड्स ले लेगा, तो उसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रिविलेज यूज़र के लिए जो एक्सेस होनी चाहिए थी वो उसके पासवर्ड ले चुका है, और उसके बाद वो उस डेटा को यूज़ कर सकता है, उसकी इंटेग्रिटी वायलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है डेटा के साथ, डिलीट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो हैकर्स जो हैं वो पैकेट्स को, अगर पैकेट्स पर्टिकुलरली, कई बार क्या होता है पैकेट्स इन ट्रांजिट होते हैं, पैकेट्स इन ट्रांजिट का मतलब, इन्फॉर्मेशन इन ट्रांजिट का मतलब, हमने बोला इन्फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, रेजिडेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इन्फॉर्मेशन इन ट्रांजिट हो सकती है, तो यानी इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मूव कर रही है तो ट्रांजिट में है, तो डेटा इन ट्रांजिट को उसको पकड़ लेता है इंटरनेट में, वो इंटरनेट में इंटरसेप्ट कर देता है, या अनप्रोटेक्टेड टेलीफोन लाइन्स हैं उसमें अगर इनक्रिप्टेड नहीं है तो उनको देख लेता है, ईमेल अनइनक्रिप्टेड ईमेल्स हैं तो उसको देख लेगा, उसको देखने के बाद क्या है, उसके पास डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और फिर वो उसको अपने तरीके से यूज़ हो जाएगा, डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पेयर हो जाएगी, तो इस तरीके से डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पेयर हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, उसमें ऐसा है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ा उस एम्प्लॉय को देखने लग गए जिसको एक्सेस नहीं है उस इन्फॉर्मेशन का, मालूम पड़ा एक पेरोल क्लर्क है उसे एक्सीडेंशियल एक्सेस मिल गई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड की, मैनेजमेंट एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्सीडेंटल एक्सेस मिल गई, तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय का जनरली डेटा अलग तरीके से रखा जाता है सैलरी का, तो कॉन्फिडेंशियल उनको जो एक्सेस है एक्सीडेंटल एक्सेस मिल गई। तो कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और डेटा बड़ी तेज़ी से मूव करने लग गया, डेटा के पंख लग गए हैं और डेटा बहुत वैल्यूबल एसेट्स भी हो गया है, इसलिए एसेट हो गया है क्योंकि बाकी नीचे की प्रोसेसेस ऑटोमेट होती जा रही हैं, डेटा पर ही डिसीजन हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस सारे डेटा के अनुसार हो रहे हैं, डेटा के पर बेस्ड होकर कह रहे हैं, तो वो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लोगों को पता नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपका जहाँ पर मेडिकल रिसर्च हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे एलिली जॉनसन जैसी मेडिकल कंपनी है, तो एलिली जॉनसन जैसी कंपनी मालूम पड़ा उसका एक रिसर्च आर्म है,
जहाँ पर वो रिसर्च कर रही है, और मालूम पड़ा उसका डेटा बाहर आ गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने उस पर रिसर्च पर लगाई, और मालूम पड़ा किसी ने चोरी कर ली वो रिसर्च, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होते ही लोगों को पता चल गया, लोगों को वो रिसर्च मिल गई। अब वो क्या करेंगे, कम पैसे में चीज़ों को बना लेंगे। मालूम पड़ा उन्होंने एलिली जॉनसन का बजट $5 बिलियन का है, $4 बिलियन का वो काम कर चुके थे, डेटा किसी और को मिल गया, एक अब $2 बिलियन या $3 बिलियन दूसरी कंपनी लगाएगी और सस्ते उसको डेटा भी मिल गया, पहले पेटेंट फाइल कर लेगी और रिसर्च में अपने नाम पर पेटेंट फाइल कर लेगी और कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो जाएगा, और जो कंपनी रिसर्च कर रही है फार्मास्यूटिकल उसको लॉस हो जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, डेटा गायब हो गया, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, डेटा दिन प्रतिदिन इंपॉर्टेंट होते चले जा रहा है, ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल वे में मूव कर रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अवेलेबिलिटी, जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसको तो अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसी को हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी स्टडी ये बोलती है, इसको समराइज़ करें तो हाँ ये बोलती है कि डेटा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, जो इसकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, जो कि जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर 2-3 साल बाद डेटा की वैल्यू और बढ़ती जा रही है, बहुत और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वो अनऑथराइज यूज़र के पास नहीं जाना चाहिए, और ऑथराइज यूज़र के पास जाए तो वो अनऑथराइज तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो यूसेस और प्रोसेसेस हैं वो अनऑथराइज तरीके से डेटा का इस्तेमाल ना करें, और ऑथराइज्ड व्यक्ति के पास भी जाए तो अनऑथराइज्ड यूज के लिए ना हो, यही कॉन्फिडेंशियलिटी है। जो दूसरा चीज है वो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डेटा अनऑथराइज रूप से मॉडिफाई ना हो, जो डेटा हो वो हो, जैसे बैंक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बैंक का, अगर बैंक में 500 रुपये निकल रहे हैं तो 500 ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए, एक जीरो बढ़ना नहीं चाहिए, एक जीरो घटना नहीं चाहिए। तो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा की, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हो गया, उसी डेटा पर आपके सारे के सारे डिसीजन हो गए। तो बिजनेस डिसीजंस जितने भी होते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बिजनेस की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, या अकाउंटिंग दूसरे सिस्टम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिकली सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन पर ही बेस्ड बिजनेस डिसीजंस होते हैं, और इन इन्फॉर्मेशन की इंटेग्रिटी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है डेटा मिलके इन्फॉर्मेशन बनाता है, डेटा को अगर सही तरीके से आप रख देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अगर मान लीजिए सपोज एक डेटा है, आपने कहा जी सैलरी किस किस की सैलरी क्या है ये एक कॉलम में लिख दो, टोटल सैलरी कितनी है हमें डिसाइड करनी है, अब वो इन्फॉर्मेशन बन गई, डेटा अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, राइट पैटर्न इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ इतना है कि डेटा मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा है, सिंपल। तो जो इन्फॉर्मेशन है या जो डेटा है जिसे कहें, वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है आजकल, और कई बार क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किया जा रहा है, अगर वहाँ पर गलती होगी रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करने में डेटा में, तो पेनल्टीज़ वगैरह होती हैं, तो कई जगह बहुत हायर पेनल्टीज़ होती हैं। तो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी हो गया, और कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अनऑथराइज मॉडिफिकेशन है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारी स्टडी बोलती है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जा रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, कंप्लीट एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए, CAV, कंप्लीट एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए। डेटा जब भी बोला जाएगा कंप्लीट एक्यूरेट और वैलिड बोला जाएगा, सिक्योरिटी जब भी बोली जाएगी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के टर्म्स में सिक्योरिटी को देखा जाएगा, इसी तरह डेटा को देखा जाएगा कंप्लीटनेस वैलिडिटी और एक्यूरेसी की। तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए, अगर इनकम्प्लीट डेटा है तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी। अगर मान लीजिए सपोज डेटा आ गया, पैन नंबर मांगा आपने, पहले 5 ही डिजिट दिए पैन नंबर के, पहले 5 अल्फ़ाबेट दिए बाकी दिया ही नहीं, तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी, एरर्स आ जाएंगे, इंटेग्रिटी लॉस ऑन इंटेग्रिटी कह सकते हैं इसे। तो ट्रांजैक्शन जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होने चाहिए वो वैलिड होने चाहिए, और कई बार क्या होता है कि वैलिड कब तब तक नहीं होते हैं जब तक एडिक्वेट कंट्रोल्स नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा है, आपने उसमें एडिक्वेट कंट्रोल्स लगा दिए, उन्होंने कहा जी डेटा, अगर डेट ऑफ बर्थ होगा तो न्यूमेरिक ही होगा,
उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता डेट ऑफ बर्थ में, न्यूमेरिक ही हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ होगा तो पहला डिजिट में 31 से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि 31 तारीख से ज़्यादा डेट नहीं हो सकती। दूसरा मंथ का कॉलम होगा तो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने एक कंट्रोल लगा दिया, कंट्रोल लगाने से डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिली। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर जा रही है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए डेटा में, और एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हमारी स्टडी ये कहती है कि जो एक्सेस हमने प्रोवाइड किए हैं वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस में, और तभी इफेक्टिव और एफिशिएंट कंट्रोल्स लग पाएंगे। और जब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल्स लग पाएंगे तभी इंटेग्रिटी मेंटेन की जा सकेगी। तो डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा वैल्यूएबल हो गया है, डेटा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया है। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि जो इंटेग्रिटी वायलेशन हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी के वायलेशंस हो सकते हैं इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, उसी तरीके से इंटेग्रिटी के वायलेशंस भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हो सकते हैं। तो इंटेग्रिटी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड सिस्टम प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट कराती है, यानी कि जो प्रोसेसेस हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डेटा अगर अंदर आया तो डेटा कंप्लीट एक्यूरेट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद वो एक प्रोसेस में गया, प्रोसेसिंग हुई उस डेटा की, तो प्रोसेस राइट प्रोसेसिंग होनी चाहिए तभी राइट आउटपुट आएगा, तभी आपकी अगर तो तभी आपकी जो इंटेग्रिटी वो मेंटेन होगी। यानी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रोसेस इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि दो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो अनइंटेंशनल प्रोसेस वायलेशन नहीं होना चाहिए, अनइंटेंशनल डेटा में कोई डेटा की जो इंटेग्रिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेटा का मॉडिफिकेशन और प्रोसेस का मॉडिफिकेशन अनइंटेंशनल भी नहीं होना चाहिए, अनइंटेंशनल भी नहीं होना चाहिए। डेटा इनपुट, आपने डेटा इनपुट किया वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और एक आउटपुट देगा, अगर प्रोसेस वायलेशन हो गया तो आउटपुट गलत हो जाएगा, तो डेटा इंटेग्रिटी वायलेट हो जाएगी। तो डेटा इंटेग्रिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका डेटा का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रोसेस का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी का वायलेशन कोई भी कर सकता है, यूज़र कर सकता है, आउटसाइडर कर सकता है, इंटेंशनल मॉडिफिकेशन हो सकता है, अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो जो स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, अगर उसका इंटेग्रिटी वायलेशन नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी वायलेशन आईटी किसी भी आईटी एनवायरनमेंट में कई रीजंस की वजह से हो सकती है, सिस्टम एरर्स की वजह से हो सकते हैं, जिसमें फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, कई बार पावर फेलियर हो गया तो आपने एक डेटा लिखा हुआ है, आधा ही लिखा हुआ है डेटा। हमने पढ़ा था कि जैसे बैंक है, बैंक में अगर मान लिया पावर फेलियर हो गया, हज़ारों ट्रांजेक्शन्स उस सेकंड चल रहे हैं, माइक्रो सेकंड में हज़ारों ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, पावर फेलियर हो गया, तो किस तरीके से उसको इस चीज़ को टेक केयर किया जाता है, ये हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था। तो बेसिकली क्या है कि हमें ये देखना होगा कि अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन तो नहीं होता है। अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन जो है कई तरीके से हो सकता है, कि गलत वैल्यू ट्रांसमिट हो, इरोनियस प्रोग्राम्स की वजह से आपका वैल्यू अल्टर हो जाए, डेटा फाइल्स में वैल्यू अल्टर हो जाए, फाइल करप्ट हो जाए, पावर फेलियर्स की वजह से पूरी तरह से रिकॉर्डिंग ना हो पाए डेटा की। तो ये चीज़ें हैं जो इंटेग्रिटी को वायलेट करती हैं, और इंटेग्रिटी वायलेशन होगी डेटा की तो डेटा की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास एक सैलरी शीट आई और उसमें हर जगह एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो घट गया, या कोई एक प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे, तो वहाँ पर इंटेग्रिटी का वायलेशन हो गया और उस डेटा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, और डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और फिर इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी एक साथ चलती हैं तकरीबन, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी को वो डेटा नहीं दिखना चाहिए, और इंटेग्रिटी का मतलब ये अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कुछ भी हो, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। डेटा अगर इनपुट डेटा है वो सही जाना चाहिए, प्रोसेसेस सही होनी चाहिए, ताकि वो उस प्रोसेस के थ्रू जाकर आउटपुट बने तो राइट डेटा निकल कर आए। यानी डेटा, क्योंकि आउटपुट डेटा, आपने इनपुट डेटा किया और आउटपुट गलत निकल गया, और अब आउटपुट को आपने रख लिया और इनपुट को डिस्कार्ड कर लिया, कई केसेस में इनपुट को आप डिस्कार्ड कर देते हो, तो वो गलत आउटपुट आ गया आपके पास। तो अब पूरा डेटा जो है आपके पास गलत पड़ा है, जो डेटा है जिसकी वैल्यू है, ह्यूज वैल्यू है जिसकी, वो वैल्यूलेस हो गया एक सेकंड के अंदर।
तो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेग्रिटी के वायलेशन से क्या हो सकता है कि जैसे कोई मालूम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स एग्जीक्यूटिव है और उसने डेटा डिडलिंग टेक्निक का यूज़ किया और ट्रेवल एडवांस की वैल्यू चेंज कर दी, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बैंक एम्प्लॉई है वो उसके बाद क्रेडिट फाइल्स की अथॉरिटी नहीं है, मालूम पड़ा सेंक्शन क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, 10 करोड़ निकाल सकता है एक आदमी, 100 करोड़ कर दिया उसकी क्रेडिट लिमिट, 100 करोड़ कर दी और उसने 100 करोड़ विड्रॉ कर लिया, तो डेटा फाइल्स में चेंजेस हो गए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई, मैनेजर लॉगिन उसे मिल गया, उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, किसी तरीके से कर ली उसने, अगर मान लिया सपोज क्रेडिट फैसिलिटी चेंज कर दी, क्रेडिट फैसिलिटी चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है, मतलब दूसरा आदमी 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ उसकी लिमिट है, मालूम पड़ा 10 करोड़ के अगेंस्ट बैंक के पास सिक्योरिटी है लेकिन वो 100 करोड़ निकाल कर चंपत हो गया। तो ये इंटेग्रिटी वायलेशन है, और इंटेग्रिटी वायलेशन मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स में अगर आ जाते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं मिशन के लिए, जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं मिशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, उसमें अगर इंटेग्रिटी का वायलेशन हो जाता है तो डैमेज हो जाता है, बिजनेस का डैमेज हो सकता है, कई बार नेशनल सिक्योरिटी का डैमेज हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ्स हो सकता है, मालूम पड़ा गलत जो जैसे पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम्स हैं, इंडियन रेलवे है, मेट्रोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम्स हैं, तो ऑटो पायलट सिस्टम्स हैं, तो उसमें क्या अगर मालूम पड़ा डेटा पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस हो गए, वहाँ पर इंटेग्रिटी उनकी वॉयलेट हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मेल आईडी या वेब मेल पोर्टल में किसी को एक्सेस मिल गया, एक्सीडेंटल एक्सेस मिल गया, क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग चेंज कर ली या पैरामीटरिक सेटिंग सिस्टम चेंज कर ली, तो उससे क्या है कि मेल सिस्टम का कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होके इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटेग्रिटी, किसी भी डेटा की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और क्यों कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिए? अगर वो लोगों को अवेलेबल हो तभी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को अवेलेबल होना चाहिए उन लोगों का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट बैठा होता था, और आज की डेट में भी कंप्यूटर के अलावा अकाउंटेंट बैठे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इन्फॉर्मेशन देने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑथराइज पर्सन है तो उसको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ह्यूजली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा, सही आदमी उस डेटा को यूज़ कर सके तभी उस डेटा की वैल्यू है। सही आदमी, जैसे नीचे के सिस्टम्स मैंने बोला ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं, और ऊपर क्या है, सेंसर्स लग रहे हैं, और सेंसर्स डेटा के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और डेटा से आदमी कंट्रोल कर रहा है उन सब चीज़ों को, जो एम्प्लॉई है वो कंट्रोल करना लग रहा है, उस इकोनॉमिक रिसोर्स को कर रहा है, तो इसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन उस डेटा एक मीडिएटर की का काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स और आपके सिस्टम के बीच में, और कई बार क्या सिस्टम टू सिस्टम डेटा ट्रैवल कर रहा है, और सिस्टम जो है उसी डेटा के अनुसार काम कर रहे हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहा है, और एक डेटा जा रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जा रहा है, और डेटा उसी सिस्टम उसी तरीके से एक्ट कर रहा है, उसी डेटा के अनुसार एक्ट कर रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ह्यूमन बीइंग को, एम्प्लॉई को होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉई को ही नहीं, एक सिस्टम है तो दूसरे सिस्टम को, अगर दूसरे सिस्टम उस पर डेटा डिपेंडेंट है तो सिस्टम टू सिस्टम डेटा अवेलेबिलिटी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एक एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई आता है, वो एक्सेस कार्ड सिस्टम है, वो अपना फिंगरप्रिंट लगाता है, अटेंडेंस लगा देता है। अब वो फिंगरप्रिंट जो है HRMS से लिंक्ड होता है, HR के मॉड्यूल से, HR के मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भाई ये इसकी आज की अटेंडेंस है। HR उस अटेंडेंस को देखता है, उसमें जो चेंजेस करने करता है, बटन ओके बटन प्रेस करता है, डेटा जो चले जाता है पेरोल के वाले के पास, वहाँ पेरोल मॉड्यूल में चले जाता है, पेरोल में प्रोसेसिंग होने लगती है। अब डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर मान लिया कोई इस अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, एम्प्लॉई चिल्लाने लगेंगे, एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल की हानि हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी जो है उस सिस्टम को ऑथराइज्ड यूज में लाती है, और आज की डेट में अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि
पुराने टाइम में क्या था कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर पोथी में रहता था और वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल काम था। आज की डेट में क्या है, डेटा आपके सॉफ्टवेयर में रहता है और उसको पुल आउट करना बहुत ईजी होता है उस डेटा को। तो डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है और डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस अवेलेबल होनी चाहिए बिजनेस यूज़र को जब रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब यह है, अगर हमने इनपुट डाला और उसके बाद एक प्रोसेस है उसे आउटपुट कर रही है, मालूम पड़ा एक हमने इनपुट तो डाल दिया लेकिन वो सिस्टम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। मालूम पड़ा एक सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर मान लिया सपोज़ आपके पास एक पर्टिकुलर बैंक है, बैंक में 10,000 लोग एक टाइम पर सेंट्रल डेटाबेस में लॉगिन कर सकते हैं। मालूम पड़ा एक दिन त्यौहार के दिन में 1,00,000 लोग एक साथ लॉगिन किए और बैंक का सिस्टम क्रैश हो गया, अवेलेबिलिटी नहीं हुई, काफ़ी देर तक सिस्टम अवेलेबल नहीं हो पाया, तो फिर वो उस सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है, उस सिस्टम की वहाँ पर अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी के लिए प्रोसेस भी अवेलेबल होनी चाहिए, डेटा इनपुट भी अवेलेबल होना चाहिए, प्रोसेस और डेटा ऑथराइज्ड यूज़र ऑथराइज्ड प्रोसेसेस ऑथराइज्ड व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए, और यही अवेलेबिलिटी कहती है। अवेलेबिलिटी दो चीज़ कहती है, जैसे इंटेग्रिटी दो चीज़ कहती थी, अवेलेबिलिटी कहती है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस बिजनेस यूज़र को अवेलेबल होनी चाहिए जब उसको उसकी ज़रूरत है, ऑथराइज्ड बिजनेस यूज़र को अवेलेबल होनी चाहिए जब उसको उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक इनहेरेंट रिस्क क्रिएट हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स पैदा हो जाते हैं, इनहेरेंट रिस्क पैदा हो जाते हैं कि सिस्टम कई बार डाउन हो जाता है। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी ये रिक्वायर करती है कि सिस्टम अवेलेबल होगा हर उस समय तक जिस समय तक अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक सिस्टम है वो 9 to 5 अवेलेबल होना चाहिए, तो वो अवेलेबल होना चाहिए, जिन जिन यूज़र को अवेलेबल होना चाहिए उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस सिस्टम की, और ईजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नेविगेबल होना चाहिए, या तो उसे नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और अगर अवेलेबल हो तो बिल्कुल होना चाहिए। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी क्या करती है, अवेलेबिलिटी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करती है, सिस्टम्स को सेफगार्ड करती है, प्रोसेसेस को सेफगार्ड करती है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैं और रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जिससे कि वो इंश्योर करती है कि बिजनेस चलता रहेगा, जिससे वो इंश्योर करती है कि बिजनेस यूज़र को सिस्टम की अवेलेबिलिटी होती रहेगी, जिससे कि वो इंश्योर करती है कि फाइनली डेटा अवेलेबल होता रहेगा, तो क्रिटिकल प्रोसेसेस चलती रहेंगी, वो यूज़र को तब अवेलेबल होंगी जब उसको उसकी ज़रूरत है। अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर सिस्टम रिसोर्स है, आईटी रिसोर्स है, जब उसको ज़रूरत है, अगर वो ऑथराइज यूज़र है और ऑथराइज पीरियड में उसको जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। तो इस चीज़ को सेफगार्ड कौन करती है, अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट करती है। इसके बाद हमारी स्टडी में कुछ अवेलेबिलिटी के एक्सपोजर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज एक पावर सिस्टम है, वो पावर सिस्टम का फेलियर हो जाता है, ये इम्प्रॉपरली फंक्शन करता है और बैकअप पावर सिस्टम्स हमारे पास नहीं है, बैकअप है तो बैकअप भी फेल कर जाए, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी इम्पेयर हो जाती है। अगर एक बैंक का डेटाबेस है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, अगर वहाँ पर पावर फेल हो गई तो बैंकिंग ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएंगे, कोर बैंकिंग एनवायरनमेंट में, बिल्कुल पूरे इंडिया के बैंकिंग कोर बैंकिंग एनवायरनमेंट ही आजकल जो SBI का है उसके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है, SDFC है उसके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है, कुछ समय के लिए ये सोचिए कि उसका जो जहाँ पर डेटाबेस रखा है या बैकअप डेटाबेस जहाँ पर है, मिररिंग हो रही है दोनों में और दोनों फेल हो गए, वहाँ पर पावर फेल हो गई, पावर के 3-3 बैकअप हैं सपोज वो फेल हो गए और सिस्टम डाउन हो गया, पूरा इंडिया का सिस्टम डाउन हो गया, वो फेल हो गए तो पूरे इंडिया का सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी हैम्पर हो गई। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट माइल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लास्ट माइल तक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि फ्लड आ जाते हैं या केबल लाइन के फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो वो लास्ट माइल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो कंप्यूटर जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता पेरेंट सर्वर से, तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ATM है बैंक का, ATM की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती क्योंकि वो पेरेंट सर्वर के साथ जो मेन सर्वर है, डेटाबेस मेन सर्वर है, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है,
तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर सिस्टम फेलियर हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो गया सर्विसेज में, और बेसिकली अवेलेबिलिटी हैम्पर हो गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी जब जिस समय तक सिस्टम अवेलेबल रहना चाहिए, जो अथराइज्ड अवेलेबिलिटी है वो रहनी चाहिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि डेटा करप्ट हो गया कंप्यूटर मेमोरी में, हार्ड ड्राइव्स में या मीडिया में, तो उससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया क्योंकि इंटेग्रिटी फेल हो गई। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, पावर फेलियर हो सकता है, इम्प्रॉपर पावर सप्लाई हो गई, या कंप्यूटर मेल फंक्शन कर गया, या कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ इंटेग्रिटी फेल हो गई। तो इससे भी बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ सकता है और उससे अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कैपेसिटी प्रॉपर नहीं होती, बैंडविड्थ कम हो जाती है, आप बैठे हो कंप्यूटर में, मालूम पड़ा बैंडविड्थ ही नहीं अवेलेबल है। तो वहाँ पर लो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं और एक्चुअल रिक्वायरमेंट में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ टर्मिनल सब सही हो, तभी आपको अवेलेबिलिटी हो पाएगी, डेटा की अवेलेबिलिटी तभी हो पाएगी। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। और आज की डेट में तो कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कार से कहीं जा रहे हो तो आप अपना GPS यूज़ कर रहे होते हो, GPS में मैप्स यूज़ कर रहे होते हैं, मैप्स में क्या है, डेटा ही तो आ रहा है, वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो वहाँ पर डेटा अगर नहीं आएगा तो उस मैप्स आप रास्ते गुम जाओगे। तो उसमें क्या है कि अवेलेबिलिटी हैम्पर हो गई आपकी। तो वहाँ पर जो यूज़र है उसको अवेलेबिलिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जैसे इंटेंशनल डैमेजेस हो सकती हैं कई बार, जैसे हैकर है, हैकर वेबसाइट ही डाउन कर दी, या कोई किसी दूसरे टेक्नोलॉजिकल मीन से आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होने से रोक दिया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ कर ली। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, और इसको आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी लिंक्ड है, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और साथ में वो अनऑथराइज रूप से चेंज नहीं रहनी चाहिए। ऑथराइज अवेलेबिलिटी जो है वो ऑथराइज पर्सन को देखनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन उसे चेंज कर सके, ऑथराइज पर्सन को वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑडिटर एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, जब आप ऑडिट करने जाओगे तो इनहेरेंट रिस्क देखोगे। इनहेरेंट रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो होते हैं, जो होंगे, आप कुछ भी कर लो, कितना ही कंट्रोल लगा लो, वो इनहेरेंट रिस्क रह जाते हैं। इनहेरेंट रिस्क वो होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं। तो इनहेरेंट रिस्क आपको समझना पड़ेगा और ऑडिट प्रोफेशनल के रूप में आपको समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आपको समझना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इनहेरेंट रिस्क कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और उसी के अनुसार आपको अपना ऑडिट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और डेटा इंफॉर्मेशन बहुत डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स हो गया है, तो वो डेटा कहीं पर तो रखा जाएगा, तभी अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी रखी जाएगी। तो वो जो सिस्टम जिसमें रखा जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि डेटा की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप देखोगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी देखोगे, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी देखोगे और उसके अलावा रिस्क देखोगे। मतलब नॉर्मल ऑडिटर जाएगा वो रिस्क प्रस्पेक्ट डेटा रिस्क प्रस्पेक्टिव से डेटा को नहीं देखेगा, क्योंकि वो वैल्यू उतना वैल्यूएबल एसेट नहीं था। कल की डेट में वो डेटा को उतना ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट नहीं था, फिजिकल एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज की डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। डेटा क्रिटिकल एसेट होता जा रहा है, और आज के आने वाले दिनों में, आने वाले 20 साल में या 15 सालों में डेटा ही क्रिटिकल एसेट होगा, बाकी कोई एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग आ जाएगा तो बाकी और एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, डेटा की वैल्यू हमेशा के लिए बढ़ती चली जाएगी। तो बेसिकली एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आपको डेटा रिस्क देखना है, रिस्क असेसमेंट करना है, एडिशनली बाकी चीज़ें तो करनी है, रिस्क असेसमेंट करना है, रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आप रिस्क असेसमेंट का किसका करोगे, डेटा का, इंफॉर्मेशन का रिस्क असेसमेंट करोगे कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जब आप देखोगे तो तीन चीज़ें जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देखोगे वो देखोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, यानी CIA, ये तीन के टर्म्स में देखोगे। और आज की डेट में आप ये देखोगे कॉन्फिडें
कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी के बीच में किस तरीके से आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होगी वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी के अपोजिंग होगा, वो दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जिसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्मूथ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और स्मूथ अवेलेबिलिटी सही आदमी को होने से ही ऑर्गेनाइजेशन डेटा की वैल्यू है। ऑर्गेनाइजेशन में राइट स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, उसी के अनुसार इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हो आप, और उसी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। उसी के अनुसार चूंकि आप एफिशिएंटली वर्क करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करोगे। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करने की कोशिश करते हेल्प करती है, और डेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है तो वो तो आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चल पाएगा। थैंक्स।